हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी बजे है दोपहर के 2। अभी हम जा रहे हैं फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए, क्योंकि गांव से मेरे फुआ और बुआ जी आए हैं और वो फैमिली के साथ सब आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ से हम पहले जाएंगे गलतेश्वर टेम्पल, वहां पर दर्शन करेंगे थोड़ी देर, बाद में वहां पर बैठेंगे। तो वहां से जाएंगे हम सीधा बारडोली साकरे टेम्पल। वहां पर भगवान स्वामी मंदिर का बहुत ही बड़ा मंदिर है और काफी प्रसिद्ध मंदिर है। तो मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो वहां पे चलते हैं। तो गलतेश्वर का तो वीडियो हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, तो जिसने भी नहीं देखा हो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। तो हम सीधा मिलते अभी रोड पर, कपड़े चेंज करके चलिए चलते हैं, सीधा मिलते हैं रोड पर आपको। अभी हम पहुंच चुके हैं साकरी स्वामीनारायण टेम्पल। आप पूरा पार्किंग एरिया देख सकते हो यहाँ पर सब। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मंदिर कैसा होगा। तो ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। तो यहाँ पे बारिश भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है, पूरा नीचे देख सकते हो गीला है सब। और यहाँ पे आप देख सकते हो सुस्वागतम लिखा हुआ, और सामने है ये भगवान श्री स्वामीनारायण का अद्भुत मंदिर। तो ये काफ़ी प्रख्यात है यहाँ पर। पूरा यहाँ पे गार्डन एरिया आप देख सकते हो पूरा कितना मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे पूरा स्वच्छ है, पूरा क्लीन है सब। एक कागज का टुकड़ा आपको दिखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे गार्डन एरिया में आप देख सकते हो सब बनाया हुआ पौधों में से कटिंग करके। तो ये सामने रास्ता है सीधा, लेकिन अभी बंद किया हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। तो पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता है यहाँ पे। पूरा ये रास्ता है सब सामने देख रहे हो, मंदिर जैसे सब यहाँ पर चलने का रास्ता है नीचे। तो ऐसा कुछ मंदिर का गार्डन एरिया है। बाकी पूरा यहाँ पे आकाश भी आप देख सकते हो काले बादलों से छाया हुआ है, थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदे भी गिर रही है। तो पूरा हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ चल के। यहाँ पर पीछे ये सब देख सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ पे हर्बल केयर सेंटर है आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं चलने का रास्ता है, और ये सामने है आपका रेस्टोरेंट मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप पूरा पूरा दिन निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर इतना अद्भुत सब यहाँ पर बनाया हुआ है। पूरा गार्डन भी आप देख सकते हो यहाँ पर, इतनी अच्छी खासी डिज़ाइन बनाई हुई है यहाँ पर। और जो सामने पेड़ देख सकते हो वो केले का पेड़ है, आप पूरा जैसे देख सकते हो फूल के टाइप में आपको दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे सीधे चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हाथी बनाया हुआ है पौधों में से कटिंग कर कर। यहाँ पे गार्डन एरिया है सब पूरा ऐसा। चलते दर्शन करते हैं। ये है भगवान श्री स्वामीनारायण मंदिर, स्वामीनारायण भगवान का मंदिर। वहाँ फिर से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो गई। तो पूरा यहाँ पे गार्डन एरिया आपको जहाँ भी नज़र, चारों तरफ नज़र करके आपको गार्डन एरिया दिखेगा। और सामने ये है गेट, और आकाश में आप देख सकते हो पूरा बादल छाए हुए, अभी भी थोड़ी थोड़ी बुरा बूंदाबांदी गिर रही है। तो भगवान स्वामीनारायण मंदिर, स्वामीनारायण भगवान का मंदिर बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। भगवान श्री स्वामीनारायण मंदिर का मंदिर आप देखते हो, इतनी अद्भुत कलाकृतियों का सर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नीचे से लेके मंदिर से लेके गार्डन से लेके सब बनाया हुआ यहाँ पे मंदिर में आप देख सकते हो सब। इतनी अच्छी शिल्पकारी बनाई हुई है यहाँ पर। नीचे स्टाइल शो के अंदर भी आप देख सकते हो पूरा ऐसा बनाया हुआ है डिज़ाइन। तो अभी हम पहुँचे थे 3 बजे, लेकिन मंदिर खुलने का टाइम था 4 बजे। अभी क्या करेंगे, बाहर से दर्शन कर लेंगे भगवान के। तो ऐसा कुछ सीन रहेगा। बाकी आप नीचे पूरा डिज़ाइन देख सकते हो स्टाइल शो के अंदर, और पूरा मुंगट आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे जो अपनी कला है
उसे प्रेजेंटेशन किया है, यहाँ पर पूरा देख सकते हो, यहाँ पर ये सब पत्थर में से सब कटिंग किया है। यहाँ पर अभी चलते हैं मंदिर के पीछे के साइड, यहाँ पर BAPS संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज जो कि देश विदेशों के अंदर 1200 से अधिक मंदिर बना चुके हैं और पूरे दो अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनको पूछते थे, मानते थे, मोदी से लेकर हमारे सब बड़े बड़े नेता है राजनीति के अंदर और बॉलीवुड स्टार भी अंदर। ये प्रमुख स्वामी महाराज थे, यहाँ पे गार्डन एरिया हो रहे हैं। यहाँ पे दूसरे महाराज जो योगी जी महाराज है वो ये भी इन्होंने मुख्य अपना योगदान दिया है इसमें, लेकिन अभी सब ब्रह्मलीन हो चुके हैं। पूरा यहाँ पे गार्डन एरिया का मेंटेनेंस काम चालू है। पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे फूलों के स्टाइल में डिजाइन बने हुए, और मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप यूरोपियन थीम के अंदर धर्मशालाएं बनाई हुई है। यहाँ पे इतना अच्छा खासा डेवलप किया है मंदिर को। ये हमारे फई फूफा जो गांव से आए हैं, पूरा ऐसे संतों की प्रतिमा है पीछे मंदिर के लाइन में बनाई हुई है। यहाँ पर वो मेरे मम्मी पापा ये है, तो ऐसा कुछ सीन है मंदिर का। पीछे कैसे आप पूरा देख सकते हो, यहाँ पर एक से एक बढ़कर आपको कलाकृति का यहाँ पे सर्जन देखने को मिलेगा। ये पूरा आप गार्डन देख सकते हो, यहाँ पे पीछे यूरोपियन थीम के अंदर जो मकान बनाए हुए हैं सब, ऐसा ऐसा लगता है कि आप विदेश के अंदर आ चुके हो। तो ऐसा कुछ सीन है। और ये यहाँ पे जो ये बड़ा पेड़ देख रहे हो, बहुत ही पुराना पेड़ है, ये आम का पेड़ है, पूरा पुराना, बहुत ही पुराना पेड़ है। तो अभी चलते हैं आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पूरा देख सकते हो सब बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर। बाकी ये है मंदिर पूरा, यहाँ पे ये गार्डन एरिया, सामने गेट, ऐसा कुछ सीन है। तो अभी चलते हैं मंदिर के दूसरी तरफ, वहाँ पर भी अच्छा खासा है। तो अभी आ गए हम उस तरफ, यहाँ पे मंदिर ये देख सकते हो गार्डन के अंदर, यहाँ पे ओम बनाया हुआ है, पौधों को काट के अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे मोर आर्टिफिशियल आप देख सकते हो भाई, एक नंबर। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे सूरत से जो भी कोई पब्लिक आ रहा है तो प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए। बारडोली के पास से साकरी गांव आता है, वहाँ पे मंदिर है पूरा। यहाँ पे आपको पूरा आपका दिन चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये ताड़ के पेड़ है, उसके अंदर आप देख सकते हो किसने लगता है कि ये गमला बनाया हुआ पूरा ऐसा, देख सकते हो पत्तों के बीच के अंदर पूरा ऐसे बारीक है, ऐसे एकदम मजबूत दिख रहा है वो ताड़ के पेड़। यहाँ पे देख सकते हो कैसा लग रहा है ये सब। बाकी यहाँ का जो पीछे की साइड बैठने की व्यवस्था यहाँ पे बनाई हुई है मंदिर के दूसरी साइड। यहाँ पे चलते हैं, पूरा यहाँ पे देख सकते हो फूल पौधे, आप जहाँ भी जाओगे आपको ग्रीनरी दिखेगी यहाँ पर, एकदम मजा आएगा आपको। और ये बोरसली का पेड़ है, और नीचे यहाँ पे सभी बैठने की व्यवस्था बनाई हुई है यहाँ पे पूरी। तो आप देख सकते हो पूरा, और ये पुराना रोड है यहाँ पर, वो पुरानी ये सब स्टॉल लगे हुए थे मंदिर में, जो भी आप सामान पूजा पाठ करने के ले जाते हो यहाँ पे मिलता था पहले। नारियल पीरा थी गया था, पीरा थी गया। पूरा देख सकते हो यहाँ पर, ये नारियल का पेड़ है अभी। तो ये पूरा मंदिर, अभी हम बाहर की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ पे फिर से एक बार वीडियो लगता है शुरू करने का मन हो जाता है यहाँ पे कलाकृतियाँ देखते हैं। यहाँ पे आप गाय देख रहे हो, आपको गाय दिख रही होगी। यहाँ पे ऐसा लगता है कि खुद वहाँ पे चल रही है, यहाँ पे घास चल रही है, ऐसा लगता है आपको। ये आर्टिफिशियल है लेकिन असली नहीं है, लेकिन आपको दूर से असली दिखेगी। तो पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मौसम आप देख सकते हो कि एकदम बढ़िया है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। तो पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हो ऐसा मंदिर गार्डन एरिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, हम सब भेल का सामान साथ में लेके आए, यहाँ पे भेल बनाएंगे, खाएंगे, खा के बाद में हम निकल जाएंगे घर की तरफ। तो अभी भेल खाते हैं, चलिए। तो पूरा यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स में शूट किया हुआ है, पूरा भेल का सामान हम सब लेके आए थे यहाँ पे, सब ये बर्तन आप सब देख रहे हो यहाँ पे पूरा। यहाँ पर अभी हम बाहर की साइड बैठे थे खाने के लिए, बाकी हम पानी भी साथ में लीजिए जो पूरा ये हमारे, हम सात आदमी आए थे यहाँ पर, सात लोग यहाँ पर। यहाँ पे पूरा भेल का पानी, पुदीना का पानी आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी चलिए खाते हैं, बाद में मिलते हैं आपको। तो अब खाने के बाद जैसे खा के उठे, तुरंत ही इतनी बारिश आई कड़ाकेदार में, आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे पूरा, आपको झूम करके मैं आपको मंदिर के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगी बारिश की, रिजलिंग की।
पूरा आप देख सकते हो यहाँ पे वातावरण भी, पवन भी अच्छी खासी आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मौसम पूरा एकदम बदल गया है और यहाँ पे देख सकते हो बारिश गिर रही है, बूंदा आपको दिख रही होगी कैमरा में। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो अभी। तो पूरा मंदिर के पीछे देख सकते हो कितना अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है सब। गार्डन देखोगे आपको अद्भुत ऐसा लगेगा कि इस गार्डन के महीने का खर्च कितना होगा इसे मेंटेन करने का। बाकी यहाँ पे सब हम बैठे हुए अभी नीचे, अभी बारिश अभी भी चालू ही है। तो ऐसा कुछ सीन है, अभी चलते हैं बाद में, यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं बाद में चलते हैं और वीडियो को करते हैं एंड। तो अभी हम आ चुके हैं पार्किंग एरिया के अंदर, अभी बारिश थोड़ी सी रुक गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पार्किंग एरिया, यहाँ पे पार्किंग की भी काफ़ी बड़ी व्यवस्था है यहाँ पर। तो चलिए अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आने पर करना क्या, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए अच्छी सी कमेंट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग बाय डीएच फिल्म।